नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। प्रांतीय स्वास्थ्य रक्षक कल्याण संगठन की ब्लॉक स्तरीय बैठक सागर जिले के राहतगढ़ के मढ़ा मंदिर में संपन्न हुई। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के साथ साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रांतीय स्वास्थ्य रक्षक कल्याण संगठन की ब्लॉक स्तरीय बैठक राहतगढ़ के मढ़ा मंदिर पर समापन हुआ। बैठक में जिला कोर कमेटी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष जीवन लाल सेन उपस्थित हुए। जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री दीपक भैया मुख्य अतिथि के तौर पर इस बैठक में उपस्थित हुए। वहीं अध्यक्षता के रूप में युवा कांग्रेस नगर पंकज जैन, युवा कांग्रेस नगर उपाध्यक्ष सलमान कुरैशी, विकास दीक्षित सहित डेनी भैया ने संगठन के समर्थन में तन मन धन से सहयोग करने का भरोसा दिलाया एवं सरकार के समक्ष जन स्वास्थ्य रक्षकों को न्याय दिलाने की बात करते हुए बैठक में जिला अध्यक्ष जीवन लाल सेन, सचिव विष्णु मोहर तिवारी, कार्मिक जिला अध्यक्ष माधव शरण पांडे, कोषाध्यक्ष राजेश गौतम, जिला संरक्षक दादाजी, सागर ब्लॉक अध्यक्ष संतोष जैन, जिला उपाध्यक्ष जगदीश उपाध्याय एवं जितेंद्र राजपूत, महेंद्र यादव उपस्थित हुए। ब्लॉक बैठक आयोजन ब्लॉक अध्यक्ष महेश प्रसाद दुबे एवं उपाध्यक्ष केशव प्रसाद प्रजापत के द्वारा किया गया था, जिसमें ब्लॉक के जितेंद्र सिंह नैनी, जगदीप सेन, अमित शुक्ला, मुकेश अग्रवाल, दयाराम विश्वकर्मा सहित सभी जन स्वास्थ्य रक्षक मौजूद हुए। यशपाल सिंह ठाकुर के द्वारा इस बैठक का आभार प्रदर्शन किया गया। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं सागर से हमारे रिपोर्टर सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अध्यक्ष साहब कुछ ये कर नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमें सफलता मिली उन्हीं के मुख से हमको आज सुनने को मिल रहा है। ये तो हमें पहले से ही पता था कि हमको सफलता जरूर मिलेगी। उन्हीं लोग ये सब कह रहे हैं। भाइयों, मैं आपसे फिर अनुरोध करूंगा कि जिसको हमने मुखिया बनाया है उस मुखिया पे कभी संदेह नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप को पूरी तरह से समर्पित होकर उनकी हर बात मानना चाहिए। अब वो जो कह रहे हैं वो हमको 100% ही मानना चाहिए। हम लोग, हमारे अध्यक्ष को ये पता है कब जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। उनका लक्ष्य डिसाइड है, निश्चित है कि हमको कहाँ जाना है। भाइयों, मैं आपसे पूछता हूँ, यदि आपको भोपाल जाना है, रेलवे स्टेशन जाओगे या बस स्टैंड जाओगे, खिड़की में खड़े होगे तो टीसी वहां पर क्या बोलता है जो बैठा है? आपको कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, आपको बताना पड़ता है कि नहीं बताना पड़ता? तो हमारे जो संगठन के मुखिया है उनको ये भली भांति पता है कब जाना है, कहाँ जाना है, लक्ष्य निश्चित है। आप लोग किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। हम लोगों को जो स्वभाव होता है, हम क्या देखते हैं, जो देखते हैं हमको वही दिखता है। मैं अपने सामने अपना हाथ करता हूं, यदि मैं अपनी पांच उंगलियां देखूंगा तो मुझे मेरी पांच उंगली दिखाई देगी, लेकिन यदि मैं लक्ष्य को देखूंगा तो ये पांच उंगली नहीं दिखाई देगी, इसके बीच से मेरा लक्ष्य वहां लिखा हुआ दिखाई देगा। हमारे अध्यक्ष महोदय को उंगली नहीं दिखाई देती है, सीधा लक्ष्य दिखता है कि आपकी नियुक्ति कब, कहां, कैसे होगी, उनको ये सब खाली। 6 महीने का प्रशिक्षण हुआ और प्रत्येक गांव में जन स्वास्थ्य रक्षक को पदस्थ किया गया। उसकी व्यवस्था ये थी कि पंचायत में प्रस्ताव के साथ जिला स्तर पर या ब्लॉक में इन लोगों को प्रशिक्षित किया गया और राज्य स्तरीय इनसे परीक्षा ली गई और उस समय इन लोगों को 500 रुपए मानदेय दिए गए। उसके बाद जैसे ही हमारी योजना आगे बढ़ रही थी, उस समय 2003 में शासन बदला और शासन बदलते ही हमारी योजना को बीजेपी शासन ने बंद कर दिया। 2005 में इसको सिस्टम से टोटल अलग कर दिया। इसमें हमारे प्रदेश में 52,260 जन स्वास्थ्य रक्षक हैं पूरे मध्य प्रदेश में। कई बार
वर्षों तक हमारे इन भाइयों की किसी ने जब कोई सुध ना ली, तब हमारे आदरणीय प्रदेश के मुखिया हमारे संगठन के ब्रजेश पांडे जी ने इसकी अलग जगाई और सागर से मैं हम लोगों ने इसकी लड़ाई को बहुत आगे पहुंचाया और तत्कालीन सरकार मामा जी ने हम लोगों के साथ कुठाराघात किया। मैं बीजेपी के शासन में कई बार शिवराज जी से मिला, उनसे प्रार्थना की, पर वो हमारे सुध लेने के लिए तैयार नहीं थे। तब हमारी प्रदेश की कोर कमेटी ने इस संकल्प लिया कि आने वाले चुनाव में जितने भी हमारे साथी हैं आपको धूल चटाएंगे। तो मैं आपको अवगत करा दूं, मैं माननीय गोविंद राजपूत के पिछले 3 चुनाव से लगातार उनमें उनके प्रचार में साथ में रहता हूं और इस चुनाव में मैंने उन्हें हमें एक गाड़ी दी थी। लगातार 20 दिन एक एक गांव में जाकर हमने उनका प्रचार किया और प्रत्येक भाई को एक सच्चे सिपाही की भांति उनके चुनाव प्रचार में लगाया। ना कोई शुल्क, ना किसी को पेट्रोल, ना किसी की कोई व्यवस्था। ये हमारे संगठन की व्यवस्था थी कि हमारा, यदि हमने उनसे बोला था यदि बीजेपी के पास में यदि RSS है तो कांग्रेस के पास में जन स्वास्थ्य रख सकते। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के किस प्रकार से हमारे ये सच्चे सिपाही हैं और इन्होंने किस प्रकार से कांग्रेस शासन को बनाने में कितनी महत्वपूर्ण इनकी भूमिका रही है। उसी का परिणाम ये निकला कि आदरणीय कमलनाथ जी ने कई मंत्रियों से, कई विधायकों से हमारे विषय में अपडेट लिया किनने क्या किया। उसी का परिणाम था कि आज हमारे सबसे पहले, अरे भैया जी मैं आपको बता दूं कि लगभग प्रदेश में 886 संगठन है, 886 संगठनों में एकमात्र हमारा संगठन जन स्वास्थ्य रक्षक, जिसका आदेश जारी हुआ है। और आदेश जारी ये हुआ है कि 7 दिन के अंदर 11 दिसंबर को आदेश जारी हुआ है। मैं स्वयं आदरणीय कमलनाथ जी से मिला था, उनसे निवेदन किया सीएम हाउस में, उनने 2 दिन के अंदर हमसे बोला था कि 2 दिन के अंदर मैं आपका आदेश करवा दूंगा। 2 दिन के अंदर इनका आदेश दिया कि 7 दिन के अंदर जो कार्यक्रम रखा गया उसका क्या उद्देश्य था। ये प्रांतीय जन स्वास्थ्य रक्षक संगठन का कार्यक्रम था ब्लॉक राहतगढ़ में। इसका उद्देश्य सभी जन स्वास्थ्य रक्षकों को आगाह करने के लिए किया गया था। उसमें मध्य प्रदेश शासन के मुखिया श्री कमलनाथ जी ने जो 1 महीने पहले आदेश जारी किया था कि आपको नियुक्ति की जाती है, तो शासन के आदेश का अभी तक प्रशासन ने कोई उसकी वो नहीं बताई है कि हमने रिपोर्ट वापस ग्राउंड सर्वे करके पहुंचाई है कि नहीं पहुंचाई है। तो एक मीटिंग के माध्यम से हम लोग सरकार के लिए अवगत कराना चाहते हैं कि आपके शासन काल में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो हम लोगों का काम नहीं कर रहे हैं। आपकी समिति में कितने सदस्य हैं? हमारे पूरे मध्य प्रदेश में 52,264 जन स्वास्थ्य रक्षक हैं जो पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक गांव में हैं। और पूर्व राजा साहब श्री दिग्विजय सिंह जी ने ये ऐतिहासिक एक जन स्वास्थ्य रक्षक योजना चालू की थी, जिस के माध्यम से वो स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारना चाहते थे मध्य प्रदेश की। इसके अलावा उनके जाने के बाद, उनकी सरकार के जाने के बाद जो बीजेपी सरकार ने सौतेला व्यवहार किया उसका हम लोग आज तक शिकार रहे। अब लेकिन फिर से हमारे जनक, हमारी पार्टी, हमारे मुखिया आ चुके हैं, उनने आते ही हम लोगों को आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द आपकी नियुक्ति करेंगे। थैंक। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।